हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को मेरे पेट्स ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज बहुत ही खुशी की बातें हैं क्योंकि जो मेरी रैबिट फीमेल है दोस्तों, ब्लैक कलर की, वो आज दोस्तों बेबी डिलीवर की है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। धूप के वजह से कल हमारी 10 फीमेल रैट मर गई थी, तो इसीलिए अभी मैंने नल पे इन्हें रखा हुआ है क्योंकि यहाँ ठंडा ठंडा लगेगा। तो अब छांव हो चुका है, तो अब मैं इन्हें बाहर दोस्तों रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ एंड चलिए छोटे बच्चों को भी चलता हूँ एंड उन्हें भी बाहर रख देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते। तो चलिए आज हम चेक करते हैं हमारी ब्लैक वाली मुर्गी अंडे दी है या नहीं। मुर्गी और मुर्गे हमारे इधर घूम रहे हैं, तो आइए उसके केज में हम चेक करते हैं कि अंडे दी। नो दोस्तों, आज अंडे नहीं दी है। 5 के 5 ही अंडे हैं। कल एक अंडे दी थी और आज अंडे नहीं दी है। तो दोस्तों, हमारी कुड़ुक वाली मुर्गी हाफ रही है, तो इसको अभी हम बाहर निकालेंगे जस्ट। तो सबसे पहले मुर्गे को पकड़ कर मैं, तो यहाँ पे मैंने मुर्गे को पकड़ लिया जैसे तैसे कर कर, तो केज के अंदर इसको मैंने डाल दिया है एंड डालने के बाद हम केज को लॉक कर देते हैं। इसको मैंने इस केज में रखा है ना, इसीलिए थोड़ा सा डर रहा है। तो कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए, क्योंकि हमारी मुर्गी ज़्यादा देरी तक नहीं घूमती है। आ आ, तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया। तो आप देख सकते हो उसको काटने जा रही है एंड हमारे मुर्गे को आप देख सकते हो ये निकलने की कोशिश कर रहा है। हमारा मुर्गा दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है ना। तो दोस्तों, हमारी मुर्गी अभी दीवार पे है, आप देख सकते हो। थोड़ा बहुत चढ़ने के बाद ये केज में चली जाएगी, तब मैं मुर्गे को छोड़ूंगा। तो दोस्तों, आज मैं अपने गिनी पिग का नेल कट करने वाला हूँ। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े हो चुके हैं एंड थोड़ा थोड़ा मैं कट कर देता हूँ जितना पार्ट एक्स्ट्रा हुआ है। तो मतलब उसका उगा है जो नेल्स, तो वो मैं कट कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा। एंड हाथों में तो नहीं उगे हैं, पर पैरों में बहुत ज़्यादा उगे हुए हैं। तो पैरों के नेल्स को मैं धीरे धीरे कर कर कट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो मैं नेल कटर के सहारे इसके नेल्स को धीरे धीरे से कट कर रहा हूँ एंड अभी ये शांत है, तो मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। क्योंकि जब मैं इसे अपने हाथों में लेता हूँ तो मेरे हाथ मतलब थोड़े थोड़े कट जाते हैं इसके नेल के वजह से, क्योंकि इसका जो नाखून है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बस कट कर रहा हूँ कि इसके नाखून मेरे हाथों में न चुभें। चलिए मैं आप लोग को अब अपने रैबिट के बेबी से मिलाता हूँ कि कुल कितने रैबिट के बेबी हैं, कितने बड़े बड़े हैं। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। हमारा एक छोटा सा रैट इसमें चला गया है एंड आप बेबीज को देख सकते हो मेरे रैबिट्स के, कि कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये आप देख सकते हो ना, कितने प्यारे हैं। एंड कुल मैं बता दूं कि 3 बेबी हैं एंड ये आप देख सकते हो, इन्हें अब ढककर नहीं रखा जा सकता क्योंकि ठंड में मैं ढककर रखता था एंड इस टाइम अभी नहीं ढककर रखूँगा क्योंकि बहुत गर्मी है। एंड आप अभी देख सकते हो मैंने अभी मिल्क इनको पिलाया हुआ है, पेट पूरा फुल है एंड हमारे रेड भी इनसे लगता है दोस्ती करना चाहता है। आप देख सकते हो इनके साथ साथ ही घूम रहा है। तो आप यहाँ पे इसके पेट को मैं दिखा दूँ कि पूरा फुल है दोस्तों, मतलब ज़्यादा नहीं। एक दिन के बच्चों को ज़्यादा मिल्क नहीं पिलाया जाता है, तो इतना मैंने पिला रखा है बेबीज़ को, सब बेबीज़ को आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आप मेरा छोटा सा सरप्राइज कैसा लगा मुझे कॉमेंट कर कर बताइएगा। ओ तो इसको भी हम रख देते हैं ना इसके साथ, वरना ये पता नहीं कहाँ चला जाएगा। बहुत रैट हमारे दोस्तों बाहर निकल गए हैं, तो चलिए इनको हम अब अंदर रख देते हैं वापस। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर कर बताइएगा एंड अपने मुर्गी को मैं ओपन कर देता हूँ क्योंकि हमारी मुर्गी केज के अंदर चली गई है। आप आया इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।